नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टेक्निकल अपरचित यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल को देखकर एलईडी एलसीडी फुल कोर्स फ्री में सीख लेंगे। आज हम बात करने वाला है एसएमपीएस बोर्ड्स में स्विचिंग सेशन में मोसफेट का खराबी होता है, उसका बदले में हम ये 5 पिन वाला मॉड्यूल लगा सकता है। ये मॉड्यूल कैसे लगाना है, उसके कास्ट 30 रुपया है। ये 30 रुपया से हमारा प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, ये आज वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, आप ये कैसे लगाओगे, नेक्स्ट डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप सिर्फ इसको जो है अच्छे से कर लेना, बड़ा डायग्राम बना लेना, या ये जो एक एक सेक्शन है मेरे पास डायग्राम है बहुत अच्छे से, आप उसको अलग अलग पेज में बना लेना। ठीक है ना, ये येलो जो वायर है सबसे पहले ये इस मॉस्फेट को रिमूव करके, क्या रिमूव करके यहाँ लगेगी बीच वाली 300 वोल्ट येल्लो यहाँ लगेगी। ब्लैक और ग्रीन ये वायर आपकी लगेगी फिल्टर पे सीधा यहाँ, ग्रीन लगेगी प्लस पे, ये है प्लस। ठीक है, तो यहाँ ग्रीन लगेगी, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो डायग्राम के जरिए, और यहाँ आपकी लगेगी ब्लैक माइनस। ठीक है, तो 3 वायर हो गई, बची 2 वायर, इसमें से रेड वायर लगेगी इस वाले डायवर्ट पे। ये कैसे ढूंढना होता है, डायवर्ट कई बार स्क्रीन पे भी होता है, इस पर इस वाली पे भी, तो यहाँ पे जो डायवर्ट लगा हुआ होगा तो वो 300 वोल्ट पे लगा हुआ होगा, तो यहाँ नहीं लगानी है आपको। प्राइमरी में आना है, एक पिन फिल्टर से प्लस से जुड़ी होगी, एक पिन जो है आपकी फिल्टर के माइनस से जुड़ी हुई होगी, ये ग्राउंड वाली। ठीक है, 2 पिन हो गई, एक पिन जो है आपकी मॉस्फेट से जुड़ी होगी, ये चौथी बचेगी इस पर डायवर्ट लगा हुआ होगा, उसकी प्लस पिन यहाँ लगाना है। ठीक है ना, ये रेड वायर, और ये जो पॉइंट है कट कर देना, आगे नहीं जाना चाहिए, इसे भी कट कर देना। रह गई वाइट वायर, वाइट वायर आपके कपलर पे लगेगी। ठीक है, ग्राउंड पे नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी अभी। इमीटर हो या कलेक्टर हो, इमीटर हो कलेक्टर हो, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ एक कलेक्टर हो कि इमीटर हो, वो तो देखना पड़ेगा, चेक नहीं कर सकता ना, ये अंदर है ना, हम ऐसे कैसे बता सकते हैं। किसी का कोई पीडीएफ होगी तो बता सकते हैं, यहाँ इसकी एक पिन होगी, तो फिलहाल एक पिन ग्राउंड होती है, ग्राउंड से जुड़ी हुई होगी, इससे जो दूसरी होगी पिन उस पर वाइट लगेगी, बस हो गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होगी, जो मॉस्फेट आप यहाँ से निकालोगे उसी ने यहाँ पे इसको कस देना, हो गया काम। ये क्या एचडी है सर? एचडीआर है, ये जो उसमें लगा हुआ है येलो है, ये रेड है, ब्लैक है, और एक ये ग्रीन है। ये ग्रीन क्या है, मैंने आपको बताया था एसटीआर को लगाना चाहिए, तो ये ग्रीन यहाँ प्लस पे जा रही है ना, तो यहाँ देखो ये ग्रीन पे 2 रजिस्टर लगी हुई है, ये ड्राइव क्या हो गई, ये ड्राइव दे रही है इसको, ये जो है आपकी ये सप्लाई होगी कॉइल स्टार्ट करने वाली, ये ग्राउंड होगी, ये 3 बार लगाने से एसएमपीएस की कॉइल स्टार्ट हो जाएगी। अब ये 2 वायर जो बची है रेगुलेट के लिए, ये इसका काम कर रही है, एक ये लगी है, ये लगी, ये रेगुलेट के लिए सप्लाई रही है, ये 5 वायर इसलिए होती है। आप 3 वायर लगा के भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, 565 एसटीआर है ये, इसके अलावा और भी आते हैं, 465 भी आता है, जो भी लगा सकते हैं, 4 वायर का भी आता है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप यही लगाओगे, कल को अगर कोई और ले आओगे आपको लगे कि हाँ ये वाला अच्छा है, मैंने सुना है, तो आप मुझे ला के दिखा देना, मैं आपको वो भी लगाना बता दूंगा, समझ रहे हो। ये आप लोग बैठ जाओ, डिस्कस कर लो आपस में, नहीं कर पा रहा है मॉस्फेट, तो मॉस्फेट तो हमें सबसे पहले 300 प्लेट चेक करनी होती है, फिर गेट पे इसकी वोल्टेज चेक करनी होती है, जो 1 वोल्ट या 500 मिली वोल्ट 600 मिली वोल्ट आएगी गेट, अब वो आपकी है आईसी से, तो हमें ट्रेस करना होता है आईसी तक, फिर आईसी पे जो वोल्टेज आती है वो आती है कंडेंसर के प्लस से रजिस्टर वगैरह लगा के, वो चेक करनी होती है, फिर आईसी से जो एक दो रजिस्टर लगी है ये मीटर से चेक कर लो। ठीक है, जितना बोलने में टाइम लग रहा है उतना चेक करने में टाइम नहीं लगेगा, ये चेक कर लो, अगर वो सही है तो आपको आईसी बदलनी पड़ेगी, समझ लो, वरना आपको जो मैंने स्टेप बताए हैं उन्हीं बीच में कोई खराब होगा, या तो ये इन नहीं पहुँच रही होगी यहाँ तक, या ये ड्राइव यहाँ आ रही होगी आईसी पे, यहाँ तक नहीं पहुँच रही होगी, रजिस्टर कोई ओम की लगी होती है, ओपन हो गई होगी, आपको चेक करना होगा। ये आईसी काफी सारी वैल्यू होती है, जैसे 431 बताई, ये फॉरेन नहीं नहीं 431 मैंने ये बताया था, डिप में लगाया ना रेगुलेट में ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर नहीं टाइप की आईसी है, ये आपकी बदलना होता है, अगर यहाँ पे वोल्टेज सभी लो या हाई बन गई, ये लगा तो इसको कह रहा है, ये आईसी है,
और क्या नाम है, मैं आपको सीधे बताता हूँ, आईसी देखो मिलती मिलाती तो है नहीं, नहीं और ढूंढना पड़ता है, इतना टाइम किसी के पास है नहीं, इसलिए स्विचिंग को ओके करने के लिए एक सोल्यूशन आता है, 500 पैसे टेस्ट किया, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे लगता है, ठीक है ना, कैसे लगता है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ संदीप जी, आप सुनेंगे, आप अभी लगाने जा रहे हैं, फिर से आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ये जो बाउंड्री होती है सप्लाई के अंदर, इसके अंदर का जो ये पार्ट्स है अंदर बाउंड्री के अंदर, ये प्राइमरी होता है, उसके बाहर जो है वो सेकेंडरी पार्ट है, सबसे पहले आपको अंदर आना है प्राइमरी में, और जो SMPS लगा हुआ होता है ये बाउंड्री के बाहर अंदर दोनों में लगा होता है, तो जो देखो ये बाउंड्री है ये यहाँ से आ रही है इसके नीचे से, ठीक है ना, और तो इधर ये पिने हैं, ये सेकेंडरी पिने हैं, मतलब सप्लाई का दूसरा हिस्सा, ये प्राइमरी में पिने हैं, ठीक है, चार पिने हैं, लगभग चार ही होती है, एक आध सप्लाई है उसके बारे में बात नहीं करूँगा, ये नहीं कह रहा हूँ, चार ही होती है, 90% चार ही पिने होती है, पांचवी होगी भी तो खाली होगी, NC होगी, नॉट कनेक्टेड, क्लास जरूरी चल रही है, तो कहा थे कि चार ही पिने होती है प्राइमरी में, ये नहीं सेकेंडरी की पिने, ये नहीं प्राइमरी की, आप सबसे पहले प्राइमरी की पिनों पे आओगे, आप ट्रेस करोगे, आपको ट्रेसिंग में दिक्कत है ना, वो मैं आपको करा देता हूँ, सिखा देता हूँ कैसे करते हैं, आप समझो ट्रेसिंग में, और आपको पता हो गया है कि एक पिन जो है वो आपके कंडेंसर के प्लस से जुड़ी हुई होती है, क्या एक पिन जो है इसकी, चार पिन है ना ये, एक पिन कंडेंसर के प्लस से जुड़ी हुई होती है, आपने ग्रीन लगा रखी है प्लस पे, एक पिन कंडेंसर के फिल्टर के माइनस से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, दो पिने हो गए, एक पिन जो है मॉस्फेट से जुड़ी हुई होती है, कौन सी है, ये वाली है मॉस्फेट से जुड़ी, ये 300 वोल्ट इधर आ रही है घूम के, ये मॉस्फेट की बीच वाली पिन पे पहुंच रही है, तो ये मॉस्फेट वाली हो गई, यहाँ येल्लो लगती है, ठीक है ना, और इसके बाद तीसरी पिन जो है, एक पिन इसकी क्या है, ये ग्राउंड होगी, ये है ना, ये फिल्टर के माइनस पे जा रही है वाली, और चौथी पे एक डायोड लगा हुआ होता है, ये लगा है, ये लगा डायोड चौथी पिन पे, इसकी प्लस पे जो है आपकी कौन सी रेड वायर लगती है, तो डायोड के प्लस पे रेड हो गई, और ब्लैक और ग्रीन फिल्टर के माइनस प्लस पे, ग्रीन प्लस पे और ब्लैक माइनस पे, इसके बाद कौन सी रह गई आपकी, येलो वायर, येलो वायर लगेगी मॉस्फेट की पिन कार्ड के बीच वाली, और प्रिंट पे लगेगी येलो, ठीक है, मॉस्फेट कनेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये जो वाइट वायर है ये लगेगी आपकी कपलर पे, प्राइमरी में लगेंगे सारे कनेक्शन, कोई भी सेकेंडरी में लगेगा बाउंड्री के अंदर, ये कपलर है के सिग्नल पे, हाँ एक पिन ग्राउंड होगी कपलर की, और एक जो बचेगी उस पर लगानी है ये वाइट वायर, और जिस पिन पे ये वाइट वायर लगा रहे हो वो पिन भी बोर्ड से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, सीधा वो पिन इसी में आनी चाहिए, तो या तो पिन काट लो या नीचे से निकाल लो या प्रिंट काट दो इसका, पर बोर्ड से कनेक्ट ना हो, सिग्नल का प्लग टूट ही जाएगा, हाँ सीधा इसी में ही आएगा एक्टिवेट, ये भी पिन बोर्ड से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये 300 वाला मॉस्फेट की जो पिन है ये भी बोर्ड से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, और ये डायोड वाली पिन भी बोर्ड से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये वाली जिस पर कनेक्शन मारोगे, जो दूसरा है पार्ट वो कनेक्ट रहेगा SMPS से, ये वाला नहीं होना चाहिए प्लस वाला, और जो फिल्टर वाली कनेक्शन है वो कुछ नहीं करना होगा, वो वैसे ही लगाना, डायोड निकाल के डायोड पे देना, देना सप्लाई ट्रैक से ओपन कर, हाँ ओपन कर दिया, ठीक है, तो दो फॉल्ट समझ गया SMPS के, स्विचिंग का फॉल्ट क्या होंगे, पहला तो यहाँ 0 वोल्टेज बन रही होगी जो मदरबोर्ड में जानी है, तो आप ये सोल्यूशन लगा के SMPS चालू कर सकते हो, दूसरा फॉल्ट क्या आएगा, ये जो MOSFET है ये शॉर्ट हो रहा होगा बार बार, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, या तो MOSFET से जुड़ा डायोड शॉर्ट होता है इस वजह से होता है, या ये कॉइल है तो जल जाती है इस वजह से बार बार शॉर्ट होगा, तो आपको आपको जो है ये करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है ना, तरीके से, क्योंकि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तरीका यही होता है, एक बार तो हमें डायोड वगैरह चेंज करने होते हैं, ठीक है, जब भी उड़ जाता है तो फिर आप SMPS ही चेंज हो सकते हैं, भाई यही तरीका है, कंफर्म नहीं कर सकते इसे, पर है दो में से एक चीज़, या तो MOSFET से जुड़ा डायोड, ठीक है, या ये SMPS, थोड़ा रेगुलेटर सेक्शन थोड़ा हो, ठीक है, तीसरा सेक्शन हो गया आपका फिर सेकेंडरी, इसलिए होता है ये सेकेंडरी सेक्शन, ये लगा डायोड, ये लगे फिल्टर, ठीक है, और एक डायोड ये और फिल्टर लगे, काम क्या है इसका, ये जो SMPS AC निकाल रहा है, एक ही वोल्टेज निकल रही है 24 एक ही मार्क्स एक निकल रही है, तो ये SMPS का काम क्या है, यहाँ आने वाली हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना, पर वो AC होगी तो ये डायोड उसको फिर से DC बना रहा है, ठीक है, फॉल्ट क्या आते हैं इस सेक्शन के, यहाँ बनने वाली जो 24 वोल्ट जो वोल्टेजें होंगी, अगर उनमें कोई एक या दो अगर कम ज़्यादा बन रही है या नहीं आ रही है, तो ये सेकेंडरी का फॉल्ट है, कब,
एक या दो, सारी नहीं, दो वोल्टेज आ रही है उनमें एक सही है एक गड़बड़ है तो वो सेकेंडरी होता है। अगर दो वोल्टेज है दोनों ही कम आ रही है या दोनों ज्यादा आ रही है ब्लिंक कर रही है तो रेगुलेट कर, तब क्या है तब रेगुलेट कर, तो सेकेंडरी का दो या तीन मतलब हाइट से लो आ रहा है या ब्लिंकिंग आ रहा है वो रेगुलेट कर। देखो डीसी चेक करते के साथ ये वाला सेक्शन क्लियर हो जाता है, पहले डीसी बन रही है तो पहला सेक्शन ओके, बचे हुए जो तीन सेक्शन है वो यहाँ वोल्टेज चेक करने से क्लियर हो जाता है। यहाँ पे सभी वोल्टेज ज्यादा है तो भी रेगुलेटर का फॉल्ट, सभी वोल्टेज लो है तो भी रेगुलेटर का फॉल्ट, ब्लिंक है तो भी रेगुलेटर का फॉल्ट, अगर ये वाली वोल्टेज बनी नहीं रही है तो स्विचिंग का फॉल्ट है। देखो ब्लिंकिंग का तो कपलर का होता है जी, बाकी जो कम ज्यादा होती है ट्रांजिस्टर का होता है, ये बदलने से ठीक होगा। या इससे जुड़ी दो तीन रजिस्टर होती है, ये या तो वैल्यू चेंज हो जाती है या ओपन भी हो सकती है, अधिकतर वैल्यू चेंज का फॉल्ट। इसका भी कुछ ऑपरेशन है, आपको सेम बोर्ड रखना होता है, इसके नंबर भी लिखे हैं आप उससे चेंज कर सकते हो, या सिंपल में आप प्रैक्टिकली जो तरीका है, मुझे अगर ये रिपेयर करना होगा, मैंने बहुत बार रिपेयर करे, बच्चों ने भी करे, एक बोर्ड ऐसा नॉर्मल बोर्ड है एक बोर्ड रख लो, अगर आपके इसमें फॉल्ट है सीधा उठा के चेंज कर दो तीन, क्योंकि ये पार्ट्स वगैरह का मिलते नहीं है, नहीं कुछ नहीं मिलेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एक बोर्ड रखो। अभी मैंने सुबह एक बोर्ड मदरबोर्ड चेक करा तो उसमें सामान बदले हैं, तो एक बोर्ड मेरे पास रखा था उसमें निकाल के इसमें लगा दी, ना नंबर देखना है आपको ना कुछ देखना, जब सेम बोर्ड होगा आराम से आप कर सकते हो, ये नामुमकिन नहीं है, बहुत ईजिली है। स्विचिंग में फॉल्ट है सीधा मॉस्फेट अगर शॉर्ट हो गया है, मॉस्फेट चेंज कर दो किसी बोर्ड से निकाल के, या आई सी भी चेंज कर दो, और जो डायोड लगे हैं कास्ट उससे जुड़े 300 वोल्ट से वो भी चेंज कर दो, सेट ओके। हमारे सारे वीडियोस देखकर एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग कोर्स पूरा फ्री में सीख लीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।